हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जनरेशन। मेरा नाम है फरहान। तो इस बार अनबॉक्सिंग करने वाले हम एक सुपर कार, जिसका नाम है सुपर कार, वो एक लैम्बोर्गिनी कार होने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सुपर कार। पीछे देखते हैं इसके हैं कुछ सम हाईलाइट्स, समझते हैं इसके सम हाईलाइट्स को। ये सम बैटरीज कैसे लगानी है हमें ये बता रखा है, रिमोट कंट्रोल कैसे करना है हमें, और ये बस चार्जिंग चार्जर पोर्ट जो होता है उसे कैसे ज्वाइंट करना है, क्या है बस वार्निंग दे रखी है इसमें। और यहाँ पे हर लैंग्वेज आपकी दे रखी है, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ के इसे जान सकते हैं। आपको जूम कर देता हूँ मैं। बहुत सी लैंग्वेज है यहाँ पे, आप किसी लैंग्वेज से ही पढ़ सकते हैं आप इसे। अटेंशन दे रखी है इंफॉर्मेशन इसमें कुछ, कि जो 36 मंथ से कम वाले होते हैं चिल्ड्रन, उनके लिए नहीं है ये कार। हाँ बस। और ये थोड़ी कार, जो कार है उनके बैक साइड, जो नीचे का साइड होता है, उसके कुछ पिक्चर दे रखी है कि हमें कैसे यूज़ करना है, बैटरी कैसे ज्वाइंट करना है। तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, जल्दी से हम कर लेते हैं अनबॉक्स, देखते हैं क्या है नया। सबसे पहले करना होगा हमें ये जो टेप दिया हुआ है, इसे ब्रेक करना होगा हमें, सील ब्रेक करना होगा। तो सील ब्रेक करते हैं हम दो साइड से, एक ये साइड है और एक इस साइड है। तो दोनों को हमें करेंगे सील ब्रेक। तो दोस्तों, इस कार की सील ब्रेक हो चुकी है, तो हम देखते हैं इस कार में है क्या नया, जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स। तो हमें सबसे पहले यहाँ का एक दिस साइड हमें ओपन करना पड़ेगा, और इस साइड से हम कार निकालेंगे। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये पूरी तरीके से पैकिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे आपके बैटरी उठी इसके साथ मिलेगा, ये चार्जिंग आई, मैं आपको सब दिखा देता हूँ। सबसे पहले कुछ चार्ज बैटरी दिया हुआ है, जो आपको कार के नीचे हिस्से में लगी नहीं है, बैक साइड में लगेगी जो आपकी कार के। ये इसकी पोर्ट है, जिसमें जो जॉइंट होगा कार के साथ। और ये आपकी चार्जर जो है आपकी डीसी चार्जर है। डीसी करंट ये लेगी आपका 3.6 वोल्ट है, 250 250 mA है। mA यानी डीसी करंट में mA होता है, तो बस वही डीसी करंट के लिए है ये चार्जर। और ये हम अब इस कार को अनबॉक्स कर लेते हैं। इस कार को मैं जूम करके पास से दिखा देता हूँ। ये कार की शाइनिंग इतनी बेहतरीन लग रही है दोस्तों, यार क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी मस्त डिज़ाइन लग रही है इस कार की। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमें खोलना होगा, ये रिमोट निकालना होगा, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्क्रू ड्राइवर की। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा स्क्रू ड्राइवर खुल चुका है, यहाँ पे टोटल 5 स्क्रू ड्राइवर हैं। एक है जो ये रिमोट के पीछे लगा पड़ा है, और बाकी 4 गाड़ी के बैक साइड में लगा पड़ा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं स्क्रू ड्राइवर दिखा देता हूँ आपको टोटल। टोटल आपको 4 स्क्रू ड्राइवर खोलने पड़ेंगे। एक की साइज़ ये है, ये जो कार के बैक साइड में लगता है, और एक जो रिमोट के बैक साइड में लगता है, ये है रिमोट के बैक साइड में लगने वाला। तो जल्दी से हम देखते हैं कार की फीचर्स है क्या कार में नया। बस ये है, मैं आपको थोड़ा कार कैमरा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा रियलिस्टिक लैम्बोर्गिनी कार, मैंने कैमरा नंबर 1 से दिखाया आपको। हम इसको कैमरा नंबर 2 पे ले जा सकते हैं। ये रहा आपका कैमरा नंबर 2 से हो रहा है ये मैं आपको पूरी 360 एंगल से दिखा देता हूँ मैं आपको पूरी कार। ये अंदर की कुछ चीज़ें, मैं इसका हैंडल थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। मैं कुछ थोड़ी चीज़ तो अंदर आ रही है बस, कुछ टायर वायर हैं। ये भी इसके बैक साइड का भी खुलता है, मैं आपको अंदर का भी दिखा देता हूँ, इसके बैक साइड का, इसके नीचे इसके बैक साइड का हो गया। ये आपका कैमरा नंबर 2 हो गया। तो दोस्तों, ये रहा आपका आरसी, कोई रियल आरसी नहीं, आप समझ जाए, रियल आरसी नहीं है ये, सिंपल एक रिमोट कंट्रोलर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिमोट कंट्रोल, इससे आप आगे पीछे कर सकते हैं, अप डाउन, और ये राइट लेफ्ट के लिए। और ये इसकी जो साइड की गेट्स हैं, ये ऊपर ये खुलेगी बंद होगी, ओपन क्लोज इसी से होंगी।
और ये यहाँ पे सेल डलेगी जो मैं आपके अभी आपको डाल के दिखा दूंगा। और ये बस कुछ प्रॉब्लम होने का रिपेयर करने के लिए, अगर आपको रिपेयर करना है आप इसको खोल के, स्क्रू खोल के आप रिपेयर कर सकते हैं इसको सिंपली। तो मैं आपको आपको इसमें सेल डाल के दिखाता हूँ, दिस साइड एंड दिस साइड, और फिर हम इसको चला के देखते हैं, हम इसको ट्राई करते हैं क्या है इसमें खासियत। तो दोस्तों हो गई हमारी कार सेटअप, अब देख लेते हैं कार की कंट्रोल स्पीड बैलेंस क्या है कैसा। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ऑन अपनी कार को, तो कार ऑन हो चुकी है। अब हमें रिमोट में कोई ऑन नहीं करना पड़ेगा, ये हमेशा ऑन ही रहता है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। हम कार को चला के दिखाते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इसको बैक, बैक कितनी स्पीड से हो रहा है, बैक बैलेंस भी नहीं हो रहा बिल्कुल, इतनी स्पीड से बैक हो रहा है, लेकिन हमारा थोड़ा यहाँ पे जगह छोटा है इस कारण नहीं हो पा रहा है। हम इसको बड़े जगह पे जाएंगे तो हम आपको वीडियो ज़रूर बनाएंगे एक, कि इस कार की स्पीड दिखाऊंगा मैं आपको, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम इसकी मैं लाइट के बारे में दिखा देता हूँ, तो आगे अगर लाइट तो उसकी फुल जल रही है, लेकिन पीछे की लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है पता नहीं, तो चेक कर लेते एक बार। नहीं पीछे की लाइट कोई नहीं है। तो मैं इसकी एक बार टायर के साथ इसकी स्पीड दिखा देता हूँ मैं आपको, स्पीड देख सकते हैं आप, और इसकी मैं रोशनी भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों हमने अपनी पूरी रूम की लाइट्स ऑफ कर ली है, हम देखते हैं इस कार की लाइट्स कैसी, कार है हमारे घर में रोशनी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो यार इसकी लाइट्स तो बहुत तेज है, आप देख ही रहे होंगे इतनी तेज लाइट है इसकी, बहुत ही तेज लाइट है इसकी पूरी, मतलब इतना तो है कि हाँ सब नज़र आ जा रहा है। जूम कर रहा हूँ, देखिए कितना तेज लाइट है इसकी। वैसे ही हम, लेकिन हमें बैक में तो कोई लाइट नहीं जल रही है, फ्रंट में। अब हम लाइट ऑन कर देते हैं, तो लाइट अब ऑन हो चुका है, लाइट अब ऑन हो चुका है मेरे। तो कोई नहीं दोस्तों, मैंने थोड़ी लाइट की स्विच थोड़ी लो पे कर दी थी। चलो हम वीडियो पे आप दोबारा आते हैं। तो यार ये वीडियो जो है, ये जो कार है ना इतनी तेज़ से भाग रही है, कंट्रोल तक नहीं हो रही है। तो आज मैं इसकी बोनट्स गेट वेट कैसे खुलते हैं, क्या है इस कार में, आपको दिखाने वाला हूँ कि इस कार में कैसे खुलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, सिंपल एक यहाँ पे आपको एक बटन दिया हुआ होगा बीच में, दोनों के कंट्रोलर के बीच में आपको बटन दिया होगा, हम उसको दबाएंगे तो तीनों चीज़ ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन करके मैं वो दिखा देता हूँ आपको अंदर की साइड से इसकी। दूसरे साइड से दिखा देता हूँ मैं आपको, अंदर रोशनी नहीं जा पा रही है। कोई नहीं, बैक साइड से मैं दिखा देता हूँ आपको, बैक साइड से एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, और ऊपर कर देता हूँ थोड़ी। देख रहे हैं आप, ये कुछ रियल नहीं है, सब प्लास्टिक है, चाइना आप जानते होंगे। तो हम वैसे ही अपने कार के विंडोज़ क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज हो चुके हैं। यार ये कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो बस इतनी थी यार, कमेंट ज़रूर करना कि अगर आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे इस कार की स्पीड के बारे में आपकी वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए।